मेरा नाम अरविंद बउआ। मैं 3.5 साल पहले हार्ट एंड हर्निया से पीड़ित था और उस दरमियान ऑपरेशन करके रिलायंस हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया और डॉक्टर कयोमर कापड़िया ने ऑपरेशन किया उन्होंने, और उनके बाद में ऑपरेशन होने के बाद में भी मुझे कफ का इश्यू काफ़ी आने लगा। मैंने वेरियस टाइप की मेडिसिन ली, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही मैंने 2-3 साल निकालने के बाद में मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एंडोस्कोपी कराइए। फिर हमने एंडोस्कोपी कराई, उसके बाद में ये एंडोस्कोपी के रिजल्ट के बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे एडवाइस किया कि मेरे खास फ्रेंड है और वो पुणे में है, डॉक्टर शशांक शाह। जब मैंने डॉक्टर उनसे मिल लीजिए और शशांक शाह से मिलिए ऐसे मुझे बताया। मिलने के बाद में जब मैंने शशांक शाह साहब के बाद में मिले, उन्होंने वेरियस मेरे को रिपोर्ट मंगवाए। रिपोर्ट देखने के बाद में ही मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उनका कॉन्फिडेंस और उनके बोलने की जो सिस्टम थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऑपरेशन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी इनके साथ में, और मैंने वो ऑपरेशन उनको करने के लिए बताया। ऑपरेशन हमारा 8 सितंबर को हुआ। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन भी काफ़ी कठिन था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, और ऑपरेशन हैंडल होने के बाद में भी जो रिकवरी बेस था वो भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। जब भी मैं रिकवरी के समय पे जब भी मैं क्लिनिक में विजिट करता था ट्रेसिंग के लिए, तो संपूर्ण जितने भी स्टाफ मेंबर थे वो लाफिंग फेस से मुझे रिसीव करते थे और अच्छी तरह से मेरे को ट्रीट करते थे। मेरे को कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर समझो कोई मुझे पूछे कि आप कितने रिमार्क देना चाहते हो, तो मैं एक्सीडेंट के ऊपर भी अगर इंग्लिश में कोई वर्ड रहेगा तो मैं वो बोलना चाहता हूँ। और कोई सजेस्ट करे, सजेशन भी अगर मांगे और कोई पूछे इस ऑपरेशन के बारे में या तो बाकी की चीज़ों में, तो मैं शशांक शाह का नंबर पहले लूँगा, बाकी मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच।